मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी बोलो मैं तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता। दिशा मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं कभी सरनेम चेंज नहीं होता है। टुंकी और टुंकी, टुंकी और टुंकी, प्लीज किसी को बोलिए मत। 12 करोड़ इनकम टैक्स भराना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। मैं भी किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था। खूबसूरत लड़कों को नहीं बात। आपका जिंदगी बैलेंस भी बहुत है, बैंक बैलेंस तो बहुत ही ज्यादा है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहाँ पे कोई बुड्ढा पेस्ट करता रहता क्या है? अंदर देखा, हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। सोचो मत, बोल दो, एकदम सोनाक्षी लग रही हो। तो मतलब मैं हाँ समझू? क्या समझू इसे मैं? आपने इसकी पिटाई की है कभी? दोनों एक दूसरे को। और आप जो 1990 में जीरो पे आउट हुए थे, इंटेंशंस वर नॉट बैड। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। जूनी बेंज, मर्सिडीज बेंज थी वो। अच्छा। ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने, मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी, और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे, तो शी सेड कैन आई हेल्प यू। तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैं बोला ये कैसे मैं? ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो या घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। Yes, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं। हेलो, आई सेड हाय। यो इंग्लिश इज सो वीक, कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? है अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार। कहाँ है? हाय कपिल। है? हाय। पक्का यही था? भूल, मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो, कुछ रागनी या मेगाटिक समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए। तो तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ। कुछ भूल रही हो तुम यार, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। Yes, मनीष, you can understand my feeling, brother. यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है, सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नहीं, बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके, तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा वाला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना, सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे।
मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पर ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तुम लोग पहले ही थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे, मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर कपिल। थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे, कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वॉज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ, वो पता है। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली। मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम ए यू नो लाइक अ पिज्जा ऑन, समबडी कैन मेक अ पिज्जा ऑन योर फॉरहेड एंड यू आर जस्ट ब्यूटीफुल यार। क्या बात है, थैंक यू कपिल। तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे, मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी है, मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊं यहां पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया तुम में लोग। यहां होस्ट करने आए हो? हां तो वो चल रहा है, वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो आपकी बेटी है आपकी, हैं बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी, हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गया, दियार बाती खत्म हो गया है, सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट से कपिल शुरू हो गया। जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली, मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। यस बताओ पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो 4th लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स, अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई, मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई है यार। तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अपना... मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं, जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ, और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? आई मीन आई लाइक वैम्प्स। वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती हुएगी जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी, ये वैम्प जो होती हैं ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है, ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगे झट से। दूसरी बात इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं, आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए कभी, हमेशा आंखें खुली रहती हैं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती कि इसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं आपका अपना ही है, जेन्युइनली मिला है आपको।
वहाँ अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। बाय आशिका, आई लव यू सो मच, बाय। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा तो... और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे। यार नहीं यार, ऐसी बात नहीं, विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। Really? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना, हमें क्या बता रहा है। अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं। कई को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए ये खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे? नहीं, इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होके देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं, दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका उस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं, हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो ये भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ एक दो राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना जोधा की ननद भाभी देवरानियां जेठानियां ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई, इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शिमोना चक्रवर्ती, और कपिल क्या हाल है? चल चल, मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तो मुझे भूल गया ना। और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष, बहुत के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो मनीष, मेरे भाई दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देने हैं भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई, बात करे। अरे इतना खर्चा किया था, पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये पुंती ये लेसे भी इसने बाहर खड़े के लगवाई है, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई है इसने। तो किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई? हायो रब्बा, मेरी मम्मी जी हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ लफ्ज हमारे लिए? थैंक यू गॉड,
डैड एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं थी जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी, तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करें उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें, लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते, तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते, मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं सर। लव यू अली भाई। लव यू कपिल। थैंक यू सो मच माई टीम, कॉमेडी नाइट विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।